और अरब के किस मुल्क में हिंदू मंदिर का आज होगा उद्घाटन? यूरोपीय देशों में पुतिन के समर्थन में क्यों निकाली गई रैली? जापान में अचानक क्यों बजने लगे युद्ध के सायरन? साउथ कोरिया में चीन के विमानों ने कितनी बार घुसपैठ की? इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखिए टॉप नाइन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। दुबई के अल जुबैल इलाके में करीब 3 साल में बनकर तैयार हुए भव्य हिंदू मंदिर का आज उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस खूबसूरत मंदिर में 16 देवी देवताओं की प्रतिमा के अलावा गुरु का एक दरबार भी है। मंदिर करीब 7,853 गज एरिया में फैला है। इस्लामिक देश में इतना खूबसूरत और दिव्य मंदिर का बनना किसी अजूबे से कम नहीं है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच महंगाई से त्रस्त कई यूरोपीय देशों ने रूस का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हजारों लोगों ने रूस के समर्थन में रैली निकाली। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस पर प्रतिबंध की वजह से महंगाई को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखी गई, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। उत्तर कोरिया के जापान की ओर एक मिसाइल दागे जाने से हड़कंप मच गया। इसके बाद राजधानी टोक्यो समेत जापान के कई इलाकों में हवाई हमले के आपातकालीन सायरन बजने लगे। लोगों को शेल्टर होम्स में जाने की सलाह दी गई। हालांकि उत्तर कोरिया की मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरती हुई समंदर में जा गिरी। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की है। ईरान में हिजाब आंदोलन की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। करीब 3 हफ्ते के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 130 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले रखा है। ईरान से शुरू हुई प्रदर्शन की चिंगारी अब दुनिया के 150 से ज्यादा शहरों में पहुंच चुकी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने अमेरिका इसराइल पर हिजाब आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया है। खामेनेई के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने विदेशों में मौजूद कुछ गद्दार ईरानियों की मदद से दंगे को हवा दी है। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है और इसमें शामिल ईरानी अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही एक्शन के संकेत दिए हैं। विस्तारवादी चीन ताइवान ही नहीं बल्कि जापान और साउथ कोरिया के भी कई इलाकों पर कब्जे की नीयत बनाए हुए है। ये खुलासा साउथ कोरिया की संसद में पेश हुए रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले साल चीन के विमानों ने साउथ कोरिया के डिफेंस जोन में 70 से ज्यादा बार घुसपैठ की। रूस पर भी साउथ कोरिया ने घुसपैठ का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि रूस के विमानों ने 2017 में 10 बार और 2019 में 20 बार घुसपैठ की कोशिश की है। पोलैंड ने जर्मनी से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी को एक आधिकारिक नोट भेजा है, जिसमें लगभग $1.3 ट्रिलियन की क्षतिपूर्ति का अनुरोध किया गया है। पाकिस्तान के मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इसके चलते कई फ्लाइट्स को लाहौर और इस्लामाबाद के लिए डाइवर्ट किया गया। मुल्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इमिग्रेशन स्टाफ रूम में आग भड़क उठी, जिसके बाद एयरपोर्ट में मौजूद सभी यात्रियों और स्टाफ को बाहर भेजा गया और कुछ देर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीविजन समाचार नेटवर्क CNN पर मुकदमा दायर किया है और मानहानि का आरोप लगाते हुए $775 मिलियन के हर जाने की मांग की है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक जिला न्यायालय में मुकदमा दायर कर CNN पर उनके खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि CNN ने उन्हें नस्लवादी, विद्रोहवादी और हिटलर जैसे शब्दों के साथ दागी साबित करने की कोशिश की है। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।